मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा जो डी एन वाइज क्लास है उसका टॉपिक है स्कल। स्कल क्या है? ये एक बोन है, स्कल बोन हमने देखा था इसके पहले। अभी तक हमने देखा इसका ऊपरी तौर पे कि इसका पार्ट्स कौन सा है, कितने टाइप्स के बोन्स है इसमें और कितने काउंट है उसका। अब हम लोग थोड़ा सा डीप में देखने वाले हैं कि उसका रिलेशन बाकी ऑर्गन से क्या क्या है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है ये पोर्शन का उसका नाम ही है बोन्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ अदर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। मतलब हमारे जो बोन्स है, हमारे जो हड्डियां हैं शरीर की, वो उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनका काउंट और बाकी ऑर्गन से, बाकी स्ट्रक्चर से, बाकी बॉडी पार्ट से उनका क्या रिलेशनशिप है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो अभी तक हमने देख लिया कि इसका काउंट कितना था, फिर उनके पार्ट्स कितने हैं, उनका डिवीजन कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहले कि इनका अदर बॉडी पार्ट से क्या रिलेशनशिप है। तो बोन्स में जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था सेकेंड टाइप का, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, तो उसका हमने पांच टाइप्स में उसको क्लासिफाइड किया था। तो पांच टाइप कौन से हैं वो? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, अपना हाँ, फ्लाइट फ्लाइट बोन और सेसामॉइड बोन। सिसमॉइड बोन, बिल्कुल। तो इसके पांच जो टाइप्स है, लॉन्ग बोन लंबी हड्डी, मीन्स इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा रहेगी और वेट कम रहेगी। फिर सेकेंड शॉर्ट बोन, मीन्स ये मैक्सिमम क्यूब के आकार के रहेंगे। थर्ड है फ्लैट बोन, मतलब चपटी हड्डी। फिर फोर्थ है इरेगुलर बोन, मीन्स जिनका शेप्स इरेगुलर होता है। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी स्पाइनल कॉलम, हमारी जो है कि वर्टिब्राज है वो उसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप, वो है सिसमोइड बोन। ठीक है, ऐसे पांच टाइप के हमने बोन्स देखे। फिर उसमें सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया तो लॉन्ग बोन में उसके हमने पार्टीशन देखे, अलग अलग टाइप्स देखे। टाइप्स मतलब उसको जो क्लासिफाइड किया गया है, सिर्फ एक लॉन्ग बोन को उसके पार्ट्स को जो डिवाइड किया गया है वो हमने देखा था। ठीक है, तो उसका जो सबसे ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, मतलब दोनों जो एंड है उसे हम लोग बोलते हैं ईपीफिसिस, जिनका काम है अदर जो बोन है उनसे अटैचमेंट करना, जॉइंट में अटैचमेंट रहना और उसके साथ साथ अदर मसल्स लिगामेंट से, टेंडन से जॉइंट करना, ये इनका काम था। सेकेंड इसमें पार्ट था मेटाफिसिस, मीन्स जो ईपीफिसिस के नीचे होता है, ये भी दोनों तरफ रहते हैं और इसको नेक पोर्शन बोला जाता है हमारे बोन का, क्योंकि ये हमारे मिडल पार्ट जिसको हम डाइफिसिस बोलते हैं और एंड पार्ट जो ईपीफिसिस है, दोनों को ये ज्वाइन करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रोथ करना, क्योंकि इसमें ग्रोथ प्लेट रहती है, तो जब भी ग्रोथ होगा तो ये यहाँ से जो ग्रोथ प्लेट इसमें जो प्रेजेंट है वो बढ़ेंगी। ठीक है, और कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद फिर ये जो मिडल पार्ट है, मतलब मेटाफिसिस है, ये नीचे डायफिसिस में और ऊपर एपिफिसिस में फ्यूज़ हो जाएगी और वो सिंगल बोन बन जाएगा। ठीक है, फिर सबसे जो सेंटर पार्ट था जिसको मिड पार्ट बोलते हैं, मिड सेक्शन भी बोलते हैं और डायफिसिस भी बोलते हैं, और एक नाम है उसका सेफ्ट, SHAFT, सेफ्ट। ठीक है, तो इसका काम क्या है? तो ये सबसे पहले हम देखा था हमने कि ये बाहर से बहुत स्ट्रांग रहता है, आउटर लेयर जो उसका हार्ड रहता है, जिसको हम लोग जिस को बोलते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट बोन या फिर कॉर्टिकल बोन। इसका काम क्या है? तो जो भी उसके अंदर में जो मिडल में जो पार्ट्स है, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है, सॉफ्ट सेल्स है, उनका प्रोटेक्शन करना, जैसे कि स्पॉन्जी बोन है बीच में, फिर उसके अंदर सबसे सेंटर पार्ट में बोन मैरो है, उसमें सेल्स होते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स होती है, तो इन सब का वो प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि डायफिसिस के अंदर होता है एंडोस्टियम, मतलब जो इनर लेयर है हमारे जो डायफिसिस है उसके जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं एंडोस्टियम। इसका काम क्या है? तो इसका काम है मेडुलरी कैविटी को बनाना। ठीक है, मेडुलरी कैविटी क्या है? तो
तो मेडुलर कैविटी हमारा जो मिडल पार्ट है, मीन्स एकदम सेंटर जो होता है हमारे हड्डी का, वहाँ पे एक स्पेस रहती है, खाली जगह रहती है, उसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। इसका काम क्या है? बोन मैरो को स्टोर करके रखना, मतलब जो भी हमारे हड्डियों में बोन मैरो बन रहा है, मज्जा तैयार हो रहा है, तो उसको स्टोर करना। ठीक है, अब बोन मैरो में हमने देखा कि दो प्रकार है, एलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। एलो बोन मैरो मतलब क्या है? ये एक ऐसा बोन मैरो है जो कार्टिलेज, फैट्स और बोन सेल को तैयार करता है। बोन सेल्स मतलब क्या है? ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। और सेकंड पार्ट इसमें है रेड बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो क्या है? तो रेड बोन मैरो को हम लोग बोलते हैं रिपेयर सिस्टम, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में रिपेयरिंग चलेगा, तो यहाँ पे ये आरबीसी ब्लड सेल्स ये तैयार करता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिपेयर सिस्टम। ठीक है, इसमें कौन से सेल तैयार होंगे? इसमें आरबीसी तैयार होंगे, रेड ब्लड सेल, फिर वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ओके, तो यहाँ हमने देखा था इसके पार्ट्स। फिर बाद में ये हुआ अभी लॉन्ग बोन, इसी तरह हम देखा था कि सेकेंड पार्ट शॉर्ट बोन, जो क्यूब के आकार के रहते हैं और ये मैक्सिमम प्रेजेंट रहते हैं हमारे कार्पल्स में और टार्सल्स में। ठीक है, इनका काम क्या है? तो इनका काम है जो हमारी डेली मूवमेंट है उसको हेल्प करना, या फिर लोकोमोट करना, हमारी बॉडी बॉडी को लोकोमोट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। या फिर कभी हम लोग कोई चीज़ उठा रहे हैं, या फिर कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह उसको हिला रहे हैं, तो ऐसे टाइम हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है, जब हमारे हाथ का मूवमेंट होगा तो हमें रिस्ट का काम पड़ेगा, जब हमारा पैर का मूवमेंट होगा तो हमारे एंकल का काम पड़ेगा, तो यही दो जगह पे होता है हमारा कार्पल्स और टार्सल्स। ठीक है, थर्ड इसमें पार्ट था जो है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन मतलब चपटी हड्डी है। ये बोन्स कहाँ कहाँ होती है? हमारे क्रैनियल में है, जो स्कल बोन के जो ऊपर का पार्ट है, जो खोपड़ी का पार्ट है, क्रैनियम वहाँ पे रहेगा। हमारा स्टर्नम जो दोनों साइड के रिब्स को जॉइन करके रखता है। फिर बैक साइड में स्कैपुला में रहेगा। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है जो इंटरनल पार्ट्स है, जो मेन बॉडी पार्ट्स है, उसको कवर करना, मतलब बाहर से जो भी प्रेशर आ सकता है, कुछ इंजरी हो सकती है, वो उससे प्रोटेक्शन करना अंदर के ऑर्गन्स का, ये इनका मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा देखा था हमने कि जो एडल्ट्स में जो ब्लड प्रोडक्शन होता है, तो मैक्सिमम वो फ्लैट बोन में ही होता है। ठीक है, फिर हमने फोर्थ टाइप देखा इसमें इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन हमारा बोल जाता है हमारे वर्टिब्रास को, हमारे जो मन के है वर्टिब्रा कॉलम में के, वो है इरेगुलर बोन, क्योंकि उनका जो शेप है वो इरेगुलर है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, इनका काम क्या है? तो इनका काम है हमारे बॉडी को एक शेप देना, हमारे बॉडी को स्टेबल रखना, स्टैंड रखना, क्योंकि अगर हमारे मन के अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग स्टैंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर हमने फिफ्थ टाइप देखा जिसका नाम है सिसमोइड बोन। सिसमोइड बोन मतलब क्या है? कि जहाँ भी हमारे टेंडन रहेंगे तो सिर्फ टेंडन में अटैच रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पटेला, जो हमारे घुटना का जो हड्डी है, इसको हम लोग कटोरी बोलते हैं हिंदी में, घुटने की कटोरी, तो वो है पटेला। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जहाँ भी हमारे टेंडन्स मूव हो रहे हैं, जहाँ भी जॉइंट में टेंडन्स रन हो रहे हैं, मतलब जहाँ भी टेंडन्स है, तो वहाँ पे ये अटैच रहता है। इसका काम क्या है? तो जो जॉइंट है वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है, एक्स्ट्रा जब हम उसको फोल्ड करते हैं, तो उस टाइम जो तनाव तैयार हो रहा है टेंडन्स पे और मसल्स पे, उसको वो कम करता है। ठीक है, और एक्सट्रीम फोल्डिंग में वो मदद करता है। तो ये काम है इसका सिस्मोइड बोन का। तो हमने देखा एक पटेला है, फिर बाद में हमारा जहाँ पे टार्सल्स है, सॉरी मेटाटार्सल्स है फर्स्ट नंबर का, और प्रॉक्सिमल जो फेलेंजेस है उसका जो जॉइंट होता है वहाँ पे ये सिस्मोइड रहता है। उसके अलावा फिर हमारे इनर नी, मतलब नी का जो हमारा इनर का पार्ट है, वहाँ पे भी ये सिस्मोइड बोन होता है। उसके साथ साथ जो हमारे हाथ में जो हड्डी है पीजी फॉर्म, तो
तो वो भी सिसमॉइड बोन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा था क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में। अब आगे हम लोग आज देखने वाले हैं एक सिर्फ सिंगल स्कल बोन। तो स्कल बोन क्यों देखना है हमें, क्योंकि हमें ये जानना है कि हम अभी तो हमने काउंट देख लिया, उसका फंक्शन देख लिया, फिर उनका लोकेशन कहाँ है वो देख लिया, शेप साइज स्ट्रक्चर देख लिया। तो अब बाकी पार्ट से, बाकी ऑर्गन से उनका क्या रिलेशनशिप है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्कल बोन हमने देखा था इसके पहले कि उसके दो पार्ट्स होते हैं मेन, क्रैनियल बोन और फेशियल बोन। क्रैनियल बोन बोन कितने रहते हैं, क्रैनियल बोन कितने हैं, कौन से स्पेनॉइड और ऑक्सीपिटल पैरेंटल, इटेमाइड टेम्पोरल एंड इथमोइड पैरेटल। पैरेटल पैरेटल ठीक है, मतलब टोटल 8 बोन्स है, जिसमें से 2 बोन्स है जो पेयर बोन है और बाकी के जो 4 है वो सिंगल बोन है। तो पेयर बोन सिंगल कौन से है, एक है पैरेटल जो टॉप है हमारे हेड पैरेटल। का, और एक है टेम्पोरल जो साइड में होता है। तो ये 2 बोन है जो पेयर बोन है। तो ये हुई 4 हड्डियाँ, और बाकी की 4 हड्डियाँ जो सिंगल बोन है वो है हमारा सामने का पार्ट, फोरहेड के ऊपर का मतलब फ्रंटल, फिर ऑसिपिटल जो बैक साइड में है। यहाँ पे है जो स्फेनॉइड है, ये सिंगल बोन है, ये दोनों तरफ रहता है लेकिन अंदर से अटैच है, और एक होता है आंखों के पीछे जिसे बोलते हैं इथमोइड बोन। तो ऐसे 8 बोन है जो क्रैनियल बोन्स में है। ये एक पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, और सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं फेस बोन, मतलब जो फेशियल बोन है जो फेस पे है वो कितने हैं, फेशियल बोन कितने हैं। 14 सर, नसल, हाँ, कौन से लैक्रिमल, इंपेरियर नसल क्रंच, इंपेरियर नसल क्रंचा एंड वार्मर एंड मैंडिबल, मैंडिबल मैक्सिला एंड और दो हो गए। पैलेटिन। हाँ, पैलेटिन और लैक्रिमल लैक्रिमल हो गया, जाइकोमैटिक, ये जो है जाइकोमैटिक। ठीक है, तो 14 बोन हमने यस देखे थे, तो उसमें से 2 बोन ऐसे हैं जो सिंगल बोन है, बाकी सब पेयर है। 2 बोन कौन से, एक है वोमर जो सब मिडल में रहता है, मैंडिबल और एक मैंडिबल जो नीचे है। तो ये क्या है, ये सिंगल बोन है, और बाकी के जो है 12 बोन वो पेयर बोन है। तो उसमें 6 देखते हैं, उसमें से 6 बोन हम लोग देखते हैं, 6 कौन से हैं, एक है लैक्रिमल जो यहाँ पे होता है दोनों आँखों के इनर एंड में, फिर है नसल बोन जो स्टार्टिंग एंड में है ऊपर में, फिर है इन्फेरियर नसल कोनचा, मतलब ये दोनों साइड में है, अंदर है ये, ऊपर का नहीं, ये नोस्ट्रिल है जो अंदर बोन्स है वो, इन्फेरियर नसल कोनचा बोलते हैं इसे। और यहाँ बीच में होते हैं छोटे से, उसको बोलते हैं पैलेटिन। ठीक है, ये भी पेयर बोन है, और मैगजिला मीन्स हमारे जो ऊपर पार्ट में अपर जॉ जिसे बोलते हैं हम लोग, वो है मैक्सिला, और दोनों साइड में होता है जाइकोमैटिक। तो ऐसे ये 6 बोन, 6 × 2 मतलब 12, और ये सिंगल बोन 2, ऐसे 14 बोन हमारे फेशियल बोन है, और टोटल हमारे जो स्कल बोन है वो है 22। अब इसमें हम लोग अभी ऑडिटरी ऑसिकल्स नहीं पकड़ा है, वरना वो हो जाता है 29। ठीक है, तो अब स्कल बोन का जो मेन फंक्शन क्या देखा था हमने, कि उसका मेन फंक्शन है कि जो भी हमारे फेस पे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सपोर्ट करना फेस पे के हमारी खोपड़ी में, मतलब हमारे जो ब्रेन वगैरह है इन सब का सपोर्ट करना, उनका प्रोटेक्शन करना। ठीक है, प्रोटेक्शन कैसे होगा, अगर बाहर से कोई चीज़ आ रही है, मतलब बाहर से अगर कोई हमें मार लग रहा है, तो अगर आपके सामने अगर यहाँ पे मार लग रहा है, अगर वो डायरेक्ट अगर पोक होगा, मतलब डायरेक्ट खुपस जाएगा तो इंजर हो गई, लेकिन सामने से कोई हमें ऐसे मार लगता है तो हमारी जो हड्डियाँ है वो उसको बचा लेती है। ठीक है,
और उसके साथ साथ जो अंदर हड्डियां है उसको वो पकड़ के रख रही है, उसको एक स्पेस दे रही है, ठीक है। उसी तरह हमारा ब्रेन, सबसे मेन जो हमारा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होता है, तो हमारे बॉडी का सीपीयू क्या है, वो है ब्रेन, क्योंकि उसके सिवा कुछ काम नहीं चलेगा। वो जब ऑर्डर करेगा तभी हर काम होते हैं। तो सबसे मेन जो ब्रेन है, तो ब्रेन के ऊपर पूरा क्रैनियन बोन्स होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि अगर उसको हथौड़ी से पकड़ ठोक दिया जाए तो वो टूटेगा नहीं। लेकिन बहुत एक्सट्रीम जब मार लगता है, बहुत लिमिट से ज़्यादा फोर्स से मार लगता है, तभी उसको इंजरी होती है। वरना सबसे जो मजबूत बोन्स होते हैं वो हमारे स्कल के होते हैं, मतलब हमारे जो क्रैनियम्स के वो होते हैं, ठीक है। तो ये सब इनका है काम, मतलब इनकी जो फंक्शंस है ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग उसमें देखने वाले फर्स्ट पार्ट क्रैनियम बोन्स, मतलब जो हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। उनको थोड़ा सा अभी विथ इमेज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रेनियम बोन में, वो है फ्रंटल बोन, मतलब इस फोर हेड के ऊपर जो है इसे बोलते हैं फ्रंटल बोन, ठीक है। तो इसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। अभी हमारे जो सर क्रेनियम की भी, विजिबल है ये, हाँ बोलिए, सर दिख रहा है सर। दिख रहा है ना। हाँ देखिए, जो हमारे जो क्रेनियम बोन्स है 8, उसमें का ये फर्स्ट बोन हम लोग देख रहे हैं जो फ्रंटल बोन है, मतलब हमारे फोर हेड के पार्ट में आता है ये। अब देखिए ये जो फ्रंटल बोन है इसमें मेन तीन पार्ट्स हैं, ओके। स्क्वैमस पार्ट बोलते हैं हमारे फोर हेड का जो पार्ट है, मतलब जो हमारे माथे का, जो यहाँ पे आप लोग पीछे में देखिए जो फ्रंटल बोन में जो माथे का पार्ट रहेगा, मतलब फोर हेड का पार्ट, उसको बोलते हैं स्क्वैमस बोन, ओके। सेकेंड टाइप, सेकेंड पार्ट है इसमें ऑर्बिटल बोन। ऑर्बिटल मतलब क्या है, जो आंखों के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्बिटल कैविटी रहती है, मतलब खाली स्पेस है यहाँ पे जिसमें हमारी आईज लोकेट रहती है, ठीक है। मतलब इसका काम क्या रहेगा, जो ये ऑर्बिटल पार्ट है इसमें जो ऑर्बिटल कैविटी है वो आईज को होल्ड करके रखेगा। आईज को मतलब जो हमारा आई बॉल होता है, हमारी जो पुतलियाँ होती है आंखों की, वो उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट इसमें है नसल पार्ट। अब नसल पार्ट मतलब क्या है, जो हमारे नोज के ऊपर है, नाक के ऊपर है, ठीक है। इसका काम क्या है, हमारे जो नसल एरिया है, नसल जो बोन्स है उसको वो पकड़ के रखता है, ओके। तो ऐसे यहाँ पे ये तीन पार्ट इसमें है। फर्स्ट पार्ट है स्क्वैमस पार्ट। अब स्क्वैमस पार्ट क्यों बोला गया है यहाँ पे, कोई बता सकता है, लॉजिक लगाइए। वही सर, हम लोगों ने स्क्वायमस पढ़े थे ना सर, सिंपल हाँ स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। सर हाँ तो क्या, ये जो फ्लैट रहता है सामने, लाज चप्पा रहता है और सचिवल रहता। सॉरी, फ्लैट रहता है, चपटा रहता है, जो उस चीज के लिए स्क्वायमस बोलते हैं इसको। यस, देखिए चपटा भी होता है और उसका बताने का कारण ये भी है कि स्क्वैमस में चपटा तो है, इसके साथ साथ वो स्क्वैमस टिश्यू से बना है, मतलब जो इपिथेलियल जो टिश्यू देखा था हमने उसमें जो पार्ट देखा स्क्वैमस, उस जो जो टिश्यूज होते हैं उससे ये बना है। चपटा तो है, सही है आपका, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को ये भी बताना है यहाँ पे, इसे ये समझ में आता है कि ये चपटा भी है और उसके साथ साथ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से ये बना है, इसलिए इसको स्क्वैमस पार्ट बोला जाता है, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑर्बिटल पार्ट है, ओके। ऑर्बिटल पार्ट में ऑर्बिटल कैविटी होती है, मतलब आंखों के लिए जो स्पेस दिया गया यहाँ पे गोल, आप लोग देख सकते हैं। इनका काम क्या है, तो इनका काम है जो हमारे आई बॉल है, जो आंखें है, उसको होल्ड करके रखना जगह पे। और थर्ड पार्ट है नसल पार्ट, मतलब जो नोज के बोन्स को, मतलब नाक के बोन को वो अटैच रहता है और उसको होल्ड कर रखता है।
ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, अब सबका फंक्शन अलग रहेगा। जैसे नसल एरिया का है कि नसल बोन को कवर कर रखना, उसको सपोर्ट करना। फिर ऑर्बिटल का काम रहेगा कि आइज को पकड़ रखना। लेकिन पूरे ऑल ओवर फ्रंटल बोन का काम क्या है, तो इनका मेन रोल है कि जो डेलिकेटेड मतलब जो नाजुक चीज़ें हैं, जैसे कि नसल बोन है, हमारी आइज है, तो ऐसे जो डेलिकेट जो स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत नाजुक जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स है, उनको कवर करना, उनको बाहरी जो डैमेज है उससे बचाना। और इसके साथ साथ जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देना, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, सामने ब्रेन का पार्ट भी आ जाएगा इसमें, तो जो इसके अंदर जो ब्रेन रहेगा, उसी जो टिश्यूज़ रहेंगे, उसी जो सेल्स रहेंगे, उसको भी ये सपोर्ट करेगा, उसका भी प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फ्रंटल बोन। समझ में आया? यस सर। यस। नेक्स्ट है हमारा पैरेटल बोन, जो यहाँ पे होता है, जैसे हमारे टॉप ऑफ द हेड भी बोलते हैं इसे, पैरेटल बोन। अब ये बोन पेयर में है, इसका भी पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं। यस, पिक्चर में आप लोग देख सकते हो पैरेटल बोन। अब देखिए पैरेटल बोन एक पेयर बोन है हमारे क्रैनियम में का। अब ये जो है सबसे ऊपर होता है, ठीक है, सबसे टॉप पार्ट है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। लार्जेस्ट पार्ट किसका, हमारे क्रैनियम बोन का। जितना हमारे क्रैनियल बोन्स है 8 बोन, उसमें से जो पैरेटल है वो सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे टॉप है, क्योंकि वो सबसे ऊंचाई पे है। ठीक है, इसके दोनों साइड्स एक मिडल स्ट्रक्चर से जॉइंट रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं, इसे बिस्किट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग, जो जहाँ पे वो जॉइंट हो रहा है दो बोन, बीच में जहाँ पे जॉइंट सर है, और एक बार सूचर। जहाँ दोनों बोन जॉइंट हो रहे हैं, पैरेटल के जो दोनों पार्ट है वो जो जॉइंट हो रहे हैं, बीच में का पार्ट दिख रहा है ना, वो जॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? मैंने इसलिए वर्ड बताया था कि जो जो ब्रेन है, स्कल बोन के जो ब्रेन्स होते हैं, जो बोन्स है, उसके जो जॉइंट्स है, उसको एक नाम है। SUTURE सूचर। हाँ, सर्चर। यस, मतलब जो भी हमारे क्रैनियम बोन्स में जो जॉइंट्स रहेंगे उसको बोलते हैं हम लोग सर्चर। तो इसका एक वर्ड लिख लीजिए। अब ये सर्चर जो है, ये जैसे जैसे अलग अलग जॉइंट रहेंगे तो उसका भी नाम अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दोनों जो पैरेटल जो बोन जॉइंट हो रहे हैं उसे बोलते हैं सैगिटल सर्चर। ये वर्ड लिख लीजिए, SAGITAL, सैगिटल सर्चर। ठीक है, अब ये रफली कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर के आकार का है, मतलब जैसे चौकोन बोलते हैं, चौकोन नहीं बोलेंगे हम लोग, जैसे रेक्टेंगुलर होता है ना, मतलब इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा है और विड्थ कम है। आप लोग आप पिक्चर में देख सकते हो, इसका जो आकार है वो रेक्टेंगल जैसा है। ठीक है, अब ये बोन का क्या काम है, तो ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है हमारे बोन ब्रेन का। मतलब मैकेनिकल प्रोटेक्शन मतलब कैसे, ये जॉइंट होकर जो ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे वो जॉइंट होकर अदर बोन्स को भी कंजक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि सामने फ्रंटल बोन को जॉइंट कर दिया, फिर नीचे ऑसिपिटल को जॉइंट कर दिया, ऐसे दोनों तरफ से उसको जॉइंट करेगा ये। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या क्या होगा, एक तो टॉप से ब्रेन को सपोर्ट करना और उसके साथ साथ जो अदर बोन्स है क्रैनियम के उसको जॉइंट करके रखना। इसके ये दो मेन फंक्शन रहेंगे, जिसको हम लोग मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें का जो सामने का जो पार्ट है, जहाँ पे पैरेटल और फ्रंटल जॉइंट हो रहा है, उसको बोलते हैं कोरोनल सर्चर। ये भी आप वर्ड लिख लीजिए, CORONAL, कोरोनल सर्चर।
और जो नीचे का ये पार्ट कौन सा है, है? सॉरी, कोरोनल कोरोनल सूचर हाँ, कौन सा है ये? ये जो सामने का जो पार्ट है ना, जहाँ पे फ्रंटल और पैरेटल जॉइंट हो रहा है, एक मिनट आपको पिक्चर दिखाता हूँ डबल से। अच्छा कि यहाँ पे फ्रंटल बोन दिख रहा है, तो जो फ्रंटल बोन का जो सर्चर हाँ है वो जॉइंट हो रहा है पीछे पैरेटल से, ठीक है। हाँ तो ये सर्चर को बोलते हैं, जो आड़ा सर्चर है उसे बोलते हैं कोरोनल सर्चर, मतलब द जंक्शन ऑफ पैरेटल बोन एंड फ्रंटल बोन, इनका जो जंक्शन है जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं उसे बोलते हैं कोरोनल सर्चर, ठीक है। उसी तरह जो पैरेटल बोन है वो नीचे टेम्पोरल बोन में जॉइंट हो रहा है, इसका पिक्चर आपको दिखाता हूँ मैं आगे। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये, ठीक है, मैंने अभी मार्क किया, तो ये किसका जंक्शन है, ये पैरेटल का और ऑसिपिटल का जंक्शन है, तो इसे बोलते हैं लैम्बॉइड सर्चर। इसको भी लिख लीजिए, एल ए एम बी ओ आर डी, लैम्बॉइड सर्चर। माइक्रोफोन ऑफ करिए बाकी लोग। एल ए एम बी ओ आई डी, लैम्बॉइड, ठीक है। तो ये है लैम्बॉइड सर्चर। तो हमने कितने देखे अभी तक, ऊपर मेन सभी सभी जो जॉइंट्स हैं हमारे कहने में, उसको बोलते हैं सर्चर कॉमनली, एस यू टी यू आर ई, सर्चर। फिर देखा हमने फ्रंटल और पैरेटल, पैरेटल मतलब दोनों बोन जहाँ पे वो जॉइंट हो रहे हैं उनके जंक्शन को बोला हमने कोरोनल सर्चर, सी ओ आर ओ एन ए एल। फिर देखा हमने पैरेटल बोन में, जो पैरेटल बोन में दोनों बोन जॉइंट हो रहे हैं उसको क्या बोला हमने, सजाइटल लैम्बोइड तो नीचे है, पैरेटल की जो दोनों जॉइंट हो रहे हैं सीधे, हाँ, सैगिटल, एस ए जी ई डबल टी एल, सैगिटल, ठीक है, सैगिटल सर्चर। फिर जो पैरेटल के दोनों बोन नीचे जॉइंट हो रहे हैं, जहाँ पे मैं अभी मैंने मार किया ब्लू कलर का, मतलब ऑसिपिटल से जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं उसे बोलते हैं लैम्बोइड सर्चर, एल ए एम बी ओ आई डी, लैम्बोइड। सर डबल आवाज आ रहा है सर। डबल आवाज आ रही है। और एक सर्चर है वो भी बता देता हूँ मैं, फिर आपको पूरे सर्चर पता चल जाएंगे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। देखिए, जहाँ पे फ्रंटल और पैरेटल अटैच हुआ था ये ब्लू लाइन, ये था हमारा कोरोना सर्चर। फिर सेकेंड, जहाँ पे पैरेटल और ऑसिपिटल अटैच हुआ नीचे का ब्लू लाइन राइट साइड का, वो हुआ हमारा लैम्बॉइड सर्चर। फिर ये जो अब यहाँ का अटैचमेंट है, मतलब पैरेटल जो हमारे टेम्पोरल से जो अटैच हो रहा है, जो ट्रांसवर्स आड़ा दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल, उसे बोलते हैं हम लोग स्क्वैमस सर्चर, एस क्यू यू ए एम ओ यू एस, स्क्वैमस सर्चर, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने हुए अभी, टोटल सर्चर कितने हो गए, चार, ठीक है ना, फोर, फोर सर्चर हो गए अभी तक। चार सर, फोर हाँ, लैम्बॉइड, कोरोनल, स्क्वैमस और सैगिटल, ऐसे चार सर्चर हमारे पूरे क्रेनियम में होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए, जहाँ भी हमारे क्रेनियम की हड्डी जहाँ पे जॉइंट होगी उसे हम लोग सर्चर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ पैरेटल बोन। तो इसमें देखेंगे अभी, तो इसका जो पार्टीशन है, मतलब इसका जो पार्ट्स है, वो पांच वर्ड्स में, पांच चीजों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला है स्क्वायमस, इसको स्क्वायमा फॉर्म भी बोला जाता है,
ठीक है, तो स्क्वामस मतलब पहले तो ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से बना है, और दूसरी बात इसका जो एंटेरियर है और अपर पार्ट है बोन का वो स्केल लाइक और थीन स्ट्रक्चर है, मतलब इनका जो पोर्शन रहेगा, मतलब इनका जो लेयर रहेगा, इनकी जो परत रहेंगी वो थीन रहेंगी, पतली रहेंगी और स्केल लाइक, स्केल मतलब ऐसे जो रेशे दिखते हैं ना, कोई स्किन पे रेशे दिखते हैं या जिसका फाइबर का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, वैसे स्केल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा इसका। और ये एंटेरियर मतलब अंदरूनी और अपर पार्ट को ये कवर करेगा, ठीक है। तो ये हुआ स्क्वामस पार्ट। सेकंड इसमें पोर्शन है पेट्रोमेस्ट्रॉइड। ओके, पेट्रोमेस्ट्रॉइड को भी हम लोग अगर डिवाइड किए तो उसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसे पेट्रस पोर्शन और मेस्ट्रॉइड पोर्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्पल कलर का जो है पेट्रोइड पोर्शन, मतलब जो ऊपर का पार्ट है, और जो नीचे का पार्ट रहेगा उसे बोलते हैं मेस्ट्रॉइड पोर्शन। और अगर दोनों को अगर साथ में बोलना है तो उसे बोला जाता है पेट्रोमेस्ट्रॉइड। अब पेट्रस क्यों बोला गया है, क्योंकि पिरामिड में पिरामिडिकल सॉरी पैराडिक आकार का होता है ये पिरामिड, आपने देखा होगा जैसे थ्री अगर 3D में उसको देखा जाए तो सामने से ट्रायंगल दिखता है लेकिन वो स्क्वायर में होता है पूरा, मतलब चारों तरफ से उसकी डायरेक्शंस रहते हैं, जैसे पिरामिड का उसका स्ट्रक्चर है उसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पेट्रस पोर्शन। ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा, तो ये स्फेनॉइड और ऑसिपिटल के बीच में रहता है। स्फेनॉइड मतलब जो हमारे हमने देखा था स्फेनॉइड बोन वो, और ऑसिपिटल मतलब जो पीछे का पोर्शन है, इनके बीच में ये रहेगा। ओके, फिर थर्ड पार्ट है मेस्ट्रॉइड पोर्शन, जो नीचे का पोर्शन है पर्पल कलर का ही, वो पोस्टियर पार्ट है, मतलब बाहरी पार्ट है ये हमारे टेम्पोरल बोन का। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसमें टिम्पैनिक पार्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का जो टिम्पैनिक है, ठीक है। ये कैसा है, ये कर्व है थोड़ा सा, ठीक है, एक कर्व प्लेट होती है जो हमारे स्क्वामा के नीचे रहती है और मैस्ट्रॉइड को सामने रहती है, मतलब जो मैस्ट्रॉइड पोर्शन है पर्पल कलर का उसे सामने रहेगी, और जो स्क्वामस जिसको हम स्क्वामा फॉर्म बोलते हैं उसके ये नीचे रहेगा। ओके, फिर फिफ्थ पार्ट है स्टाइलॉइड प्रोसेस, जो येलो कलर का दिख रहा है उसको बोलते हैं स्टाइलॉइड, मतलब ये क्या है, थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है, मतलब थोड़ा नोकदार रहता है, जिसका जो लेंथ है वो कम ज्यादा रह सकता है, कम ज्यादा मतलब कुछ पर्सन में थोड़ा सा कम रहेगा, कुछ में थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो ये कम ज्यादा रह सकता है। और फिर लास्ट वन है जाइकोमेटिक प्रोसेस। जाइकोमेटिक प्रोसेस मतलब क्या है, एक ये स्क्वामस की जो लेयर है वो अंदर से स्टार्ट होकर ये बाहर की तरफ आएगी, ठीक है, और यहाँ पे जाइकोमेटिक बोन की तरफ तक वो रहेगी, इसलिए उसके बोन के ऊपर से इसका नाम दिया गया जाइकोमेटिक प्रोसेस। तो ये पांच पार्ट इसके टेम्पोरल बोन के होते हैं, ठीक है। समझ में आया यहां तक, यस। देखिए अभी हम लोग थोड़ा स्टेप वाइज जा रहे हैं, अगर एकदम से आपको सब बता दूंगा तो थोड़ा सा जंपिंग हो जाएगा। हमने पहले काउंट देखा, फिर उनका नाम देखा, लोकेशन देखा, अब थोड़ा सा हम लोग उसका रिलेशन देख रहे हैं अदर पार्ट से। अब आगे चलकर हम लोग उसको और थोड़ा डीप में देखेंगे कि उसका पोर्शन कौन सा है, फिर कौन सा ऑर्गन होता है, उसका फंक्शन क्या है, ये हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे आगे देखेंगे। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा बेसिकली अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, कुछ डाउट मत रखिए, ठीक है। तो हमने आज देखा, हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था स्कल बोन का, जिसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं क्रैनियल बोन और फेशियल बोन। तो आज हमने स्टार्ट किया क्रैनियल बोन। क्रैनियल बोन में से फर्स्ट पार्ट हमने देखा फ्रंटल, जो हमारा फोरहेड का पार्ट है, जिसमें तीन पार्ट होते हैं, नसल पार्ट जो नसल एरिया को कवर करता है, फिर आई पार्ट जिसे हम लोग ऑर्बिटल पार्ट बोलते हैं, जिसमें ऑर्बिटल कैविटी होती है और वो हमारे आई बॉल को मतलब हमारी आंखों को पकड़ के रखता है, और एक स्क्वामस पार्ट।
जो हमारा फोर हेड को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा पैरेटल बोन, जो टॉप बोन है हमारे जो पैर में रहता है, ये एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है हमारे ब्रेन को, मतलब ऊपर से या बाहर की तरफ से जब प्रेशर आता है तो उसको वो सपोर्ट करता है, मतलब हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है उससे। और उसके साथ साथ हमारा जो फ्रंटल बोन है और जो ऑसिपिटल है, टेम्पोरल है, मतलब जो बाकी जो कैरियल बोन है उसको भी वो ज्वाइंट करके रखता है। ठीक है, फिर हमने देखा अभी टेम्पोरल बोन, जिसके पांच पार्ट है, पांच पार्ट उसके लोकेशन, मतलब ये जो टेम्पोरल अभी जो हमने देखा वो ये पार्ट है टेम्पोरल बोन। ठीक है, उसमें हमने पांच पार्ट देखे अलग अलग। अब उसके साथ साथ हमने एक न्यू कंसेप्ट भी देखा आज, सर्चर। सर्चर मतलब क्या है, हमारे क्रेनियम जो बोन से जो उनका जो जंक्शन होता है, जो जॉइंट होता है, उसे बोलते हैं सर्चर। उसमें हमने चार सर्चर देखे, कौन से तो फर्स्ट जो फ्रंटल और पैरेटल को ज्वाइन करता है यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं, कोरोनल, COROnal, कोरोनल। फिर सेकेंड देखा सर्चर जो हमारे पैरेटल और ऑसिपिटल मतलब पीछे जो ज्वाइन करता है उसे बोलते हैं लैम्बॉइड, LAMBOID, लैम्बॉइड। थर्ड हमने देखा जो पैरेटल और टेम्पोरल मतलब यहाँ पे ये जो ज्वाइन करता है उसे बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं, नहीं सेगिटल नहीं, ये जो टेम्पोरल और पैरेटल को ज्वाइन कर रहा है, स्क्वैमस। हाँ स्क्वैमस सर्चर। सैगिटल मतलब ये जो पैरेटल और दोनों पैरेटल को ज्वाइन कर रहा है वो है सैगिटल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, चार ही है ये। तो इतना आज हमने इस लेक्चर में देखा है, तो आज के लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज इंजीनियर की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।